विपक्षी एकता को लेकर चंद्रशेखर आजाद चर्चाओं का विषय बन चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद ने जद्दोजहद करके अपना एक नाम बनाया, एक फेम कमाई, लेकिन सवाल यह है कि क्या चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर लेंगे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद अब अहम चेहरा बन चुके हैं। नमस्कार, आपके साथ में हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, एक तरफ चंद्रशेखर आजाद पर सहारनपुर में हमला होता है, हमले के बाद से ही तमाम विपक्ष के नेता उनसे मुलाकात करते हैं, उनके पक्ष में बात करते हैं, जमकर बीजेपी सरकार को घेरते हैं। तो सवाल यह किया जा रहा है कि क्या चंद्रशेखर आजाद जो है क्षेत्रीय दल को और अखिलेश यादव के साथ मिला लेंगे, क्योंकि मुलाकातें बहुत सारी हो रही हैं। देखिए, पहली मुलाकात अखिलेश यादव की मुलाकात केजरीवाल से हो जाना, चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात राकेश टिकैत से हो जाना, अखिलेश यादव से हो जाना, वहीं केजरीवाल की मुलाकात तेजस्वी यादव से हो जाना, अरविंद केजरीवाल की मुलाकात उद्धव ठाकरे से हो जाना। तो ये कहा जा रहा है कि विपक्ष के छोटे बड़े दल जो है आसपास मीटिंग कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और विपक्ष की एकता को साथ मजबूत करने के साथ साथ यहाँ पर गठबंधन करने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि चंद्रशेखर आजाद अहम चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद पर जब हमला हुआ तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर सवाल खड़े किए गए। ये कहा गया कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने चंद्रशेखर आजाद पर हमला करवाया गया। हालांकि अभी ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि चंद्रशेखर आजाद का या ब्रजभूषण शरण सिंह का हाथ था, माफ कीजिएगा, ब्रजभूषण शरण सिंह का चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमला करवाने पर हाथ था कि नहीं, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह का कोई मसला ही यहां पर नहीं आता है। जिन्होंने हमला किया था उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया, उनसे पूछताछ भी की गई, लेकिन कयासों के बाजार में सवाल उठते रहते हैं। लेकिन दर्शकों, अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल निकल कर जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्या चंद्रशेखर आजाद गठबंधन का ऐलान करेंगे अखिलेश यादव के साथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार लोकसभा की 80 सीटों को लेकर अखिलेश यादव ये दावा ठोक रहे हैं कि इस बार 80 में से 80 समाजवादी पार्टी ले जाएगी। लेकिन जोड़ी की बात करें तो चाचा शिवपाल और अखिलेश यादव की जोड़ी इतनी मजबूत अब नजर नहीं आ रही है, गठबंधन पर अटकलें हैं। चंद्रशेखर आजाद का रुख क्या हो सकता है दर्शकों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।